आपके साथ इंटरेक्शन मिलने का मौका दिया उन्होंने। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं मीटिंग में गए नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। और लेकिन 50 साल का ये काम कैसा शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये भी मिस्ट्री है। मुझे भी पता नहीं आज तक कि बाबा के मन में ये क्यों आया होगा। कुष्ठ रोगियों का काम 1949, जिसको अभी 75 साल अगले साल पूरे हो रहे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ के, वकालत छोड़ के उन्होंने जो काम शुरू किया 49 में, फैमिली के खिलाफ, फ्रेंड्स के खिलाफ, क्योंकि उस समय इस कुष्ठ रोगियों के बारे में इतना लोगों में एक डर था, स्टिग्मा था, लेकिन उन्होंने जो तय किया था उसको उन्होंने स्टार्टेड विद 6 लेप्रेसी पेशेंट, और धीरे धीरे लोगों को पता चला तो नंबर ऑफ लेप्रेसी पेशेंट बढ़ते गए। लेकिन मैं और मेरा भाई विकास, हम बड़े आइसोलेशन में रहे, कुष्ठ रोगी की संस्था में कोई आना नहीं चाहता था, संसर्गजन्य है, कंटेजियस है। लेकिन कुछ साल के बाद में बाबा का काम लोग रिकग्नाइज करने लगे। पहले तो गांधीयन आए, मतलब सेवाग्राम तो नज़दीक था, अन्ना साहब सहस्त्र बुद्धे, उन्होंने बहुत बाबा का मॉरल सपोर्ट दिया। और फिर पूना से है पुलो देशपांडे, मतलब एमिनेंट राइटर थे वो, और जैसे आते गए लोग तो फिर कुष्ठ रोगियों के बारे में लोगों की गलत फहमियाँ दूर होने लगी। और मैं विकास बचपन में कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं था आगे जाके क्या करे, कंपटीशन मालूम नहीं था, सिटी लाइफ नहीं देखा था। लेकिन जैसे फिर 15-16 साल की हुए, बाबा का जब समाज में उनका स्थान देखने लगे, लोग आके विजिट करने लगे, तो बाबा के काम का इम्पोर्टेंस हमको मतलब महसूस हुआ। हम दोनों भाई ने ऐसा डिसाइड किया, यदि हम लोग बाबा का काम ज्वाइन करें तो मेडिकल एजुकेशन करके करें। और उस समय शायद कंपटीशन नहीं थे आज जैसे, और बीएससी पार्ट वन जिसको इंटर साइंस करते थे वो डिसाइडिंग ईयर था उसमें। और बाबा ने उसी, जब लोग हम मैट्रिक हुए उसी साल 64 में, हेल्दी बच्चों के लिए कॉलेज खोला था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो पहले साल कोई ज़्यादा बच्चे नहीं आए, चारों फैकल्टी मिलकर 120 बच्चे थे, और हम उसमें पहले दो, विकास और मैं। और वहाँ से इंटर साइंस पास किया, पूरे विदर्भ के लिए एक ही मेडिकल कॉलेज था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसको भी वो कल 75 साल पूरे हो रहे, नागपुर मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रपति जा रहे कल नागपुर, इनॉग्रेशन है उनका। तो उस कॉलेज में हमने अप्लाई किया, कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं था, जो भी मार्क मिले उसके ऊपर सीधा वॉक इन एडमिशन दोनों को मिल गया। तो बाबा और ताई, मतलब हमारे मित्र को ताई कहते थे, दोनों को पहले चिंता थी कि ये लोग आगे जाके क्या करेंगे बच्चे, इनके तो कोई मतलब एम्बिशन नहीं, कोई बातें नहीं करते, स्टडी नहीं करते। लेकिन जब एडमिशन मिल गई तो शायद उनकी तसल्ली हो गई मन को कि अब कुछ लाइन लगी। और नागपुर में जैसे हम गए तो वहाँ आइसोलेशन वहाँ भी फील किया, क्योंकि हम खादी के कपड़े पहनते थे, और खादी नागपुर में खादी के लिए काफ़ी गुस्सा था लोगों में तो वह रैगिंग होता था, रैगिंग बोले कि आप बोले खादी पहन के आते हैं तो बोले आप गांधी जी के ग्रैंडसन हो गया, क्या लगाया आपने खादी पहन से, कल आएगा तो हम आपके कपड़े उतार देंगे। तो डरता लगता था, मतलब हम दोनों खादी वाले थे, पूरे 200 की बैच थी, लेकिन वो सब बोलने की बात थी, लेकिन कपड़े कभी उतारे नहीं लेकिन हम लोग ऐसा मिक्स नहीं हो पाए। वो एक दो टाइप के बच्चे थे उस समय, एलाइट क्लास पैसे वाले के लड़कियों को एडमिशन मिलती थी, दूसरे रिजर्वेशन वाले, हम दोनों में नहीं थे। तो एक डेढ़ साल, एक एक एग्ज़ाम डेढ़ साल लगता था, तब फर्स्ट MBBS सेकेंड MBBS, और पास होते गए, एवरेज स्टूडेंट। 1770 में फाइनल MBBS एग्ज़ाम दिया, 70 दिसंबर, अभी चलो 53 ईयर्स बैक, और 15 दिन में रिजल्ट आता था। उस समय 12 रेगुलर था सब, 1 जनवरी को इंटर्नशिप, तो 15 दिन हम घर आ गए आनंदवन। तो घर आए बच्चे लोग आए तो बाबा बोले चलिए पिकनिक को जाएंगे,
कहाँ जाए पिकनिक? ये कई जंगल है, भमरागढ़ वहाँ का कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स, अच्छी जगह है। अब दो दिन के लिए जंगल में जाना सबको अच्छा लगता है। अब बाबा बोले फैमिली पिकनिक है, मदर वही विकास मैं और दो तीन लोग पिकअप वैन में बैठे और निकले, उस भमरागढ़ नाम था उस जंगल का। और वो अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, भमरागढ़ नहीं आया, ठंड बहुत थी, अंगार लगा के सो गए। साथ में फास्ट फूड था, मतलब चावल और वो बेसन होता है ना, वो फास्ट फूड है अपना इंडिया का, बहुत जल्दी बन जाता है, तीन पत्थर लगाओ, लकड़ियाँ मिलती थी लकड़ियों से। वो दूसरे दिन निकले, फिर भी भमरागढ़ नहीं आया, फिर दूसरा मौका और एक जंगल ले गया और तीसरे दिन पहुँचे। 250 किलोमीटर को 2.5 दिन लगे, तो कई रास्ते नहीं थे, कब से कई सारी नदियाँ नाले थे, फोर व्हील की गाड़ी थी। अब जब संगम पे गए, शाम हो गई, बड़ी अंगार लगाई थी, वहाँ सोए तो देखा तो मल्टी स्टार था, ये तो फाइव स्टार नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पानी तो इतना शुद्ध था, यह बिस्लरी वगैरह तो आप उसके साथ सब जंगल से आ रहा था, पोल्यूशन नहीं उसमें, कोई इंडस्ट्रीज उसमें कोई केमिकल डाल रही है, क्लीन वाटर, अच्छा वातावरण था। सिर्फ ठंड बहुत थी दिसंबर के महीने में। तो बाबा के दिमाग में था शायद पहले, लेकिन हमको बताया नहीं, अभी आए तो चलो आजू बाजू के एरिया देख ले। तो छोटे छोटे फेयर वेदर रोड जिसको कहते हैं बैलगाड़ी जाती है, उसमें से हमारी फोर व्हील की गाड़ी लेकर एक गांव में ले गए। जैसे गाड़ी आ गई तो पहले वो जानवर होते हैं ट्राइबल के पास, वो ट्रेडिशनल गोधन होता है उसको, गोधन, उसका दूध नहीं निकालते, कभी मौका मिले भूखे रहे तो खा भी जाते, लेकिन वो ट्रेडिशन नहीं था। तो वो डर के मारे भाग गए, उन्होंने कभी गाड़ी का आवाज़ नहीं सुना होगा। और गाड़ी जैसे गांव में पहुंची तो सब गांव के जो औरतें बच्चे बाहर आ गए, बाहर आए ठीक है, लेकिन वो डर रहे थे, पता नहीं उनके मतलब इतना सिविलाइज आदमी को इतने क्यों डर रहे। तो हम लोग जाके हमने बोले उनके साथ पास नज़दीक जाके बात करेंगे कुछ। तो जैसे हम नज़दीक आने लगे तो सब एक एक करके जंगल में भाग गए, किसी से बात नहीं हुई। तो ये हमें बड़ा अजीब लगा कि हम लोग कुष्ठ रोगियों के संस्था में बड़े हुए, जहाँ बाबा ने जिस लोगों को रखा था उनका दुख बहुत ही बड़ा था, बहुत ही क्लोज रिलेटिव ने उनको घर से बाहर हकाल दिया था, बिकॉज ऑफ स्टिग्मा सोसाइटी उनको बैकआउट करती थी। तो बच्चे ने मदर को फेंका था या हस्बैंड ने वाइफ को हकाल दिया था। तो ये सब दुख तो बहुत नज़दीक से देखा था हमने, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, डिफॉर्मिटी नहीं है और कोई प्रॉब्लम वैसा तो नहीं लगा वैसा, लेकिन डर कैसे, जंगली जानवर जैसे भाग जाते वैसे क्यों भागे समझ में नहीं आए। एक डिफरेंस था, ठंड थी इसलिए हम स्वेटर उसके ऊपर शाल ओढ़ के थे सब लोग, और वो दिगंबर थे, या ये मतलब इतने ठंड में विदाउट क्लोज, एडल्ट्स में थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए वो कपड़ा लगाया था पहले, वो तो पत्ते के, लेकिन कपड़ा ही नहीं था उनके पास में, बच्चे भी नंगे, न्यूबॉर्न बेबीज भी। तो ये दूर से इतना देखा, दूसरे गांव में गए, तीसरे गांव में गए, लाम दूर दूर गांव थे तो तीन चार गांव देख के फिर शाम को अपने संगम पे आ गए। बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा अंगार लगाई, और हम सब लोग सोचते रहे थे दिन भर में क्या देखा। ये किताब में पढ़ा था आदिवासी कंदमूल और शिकार करके उनका जीवन जिंदगी गुजारते, यार यहाँ जब तक देखे नहीं हो, अरे बाबा ने नहीं दिखाता हो तो पता नहीं चलता इनका लाइफ कैसा है। तो बाबा ने वो मोमेंट पकड़ लिया कि यहाँ सब लोग ऐसे विचार कर रहे हैं, या मतलब ये दिमाग में कुछ उनकी हलचल हो गई है, तो बोले मुझे ऐसा लगता है, लाउड थिंकिंग जिसको कहते, कि आप दोनों आप MBBS होने वाले और आपने पहले ही निर्णय लिया है कि आप आनंदवन का काम आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन अपने भाई बंद है ये माड़िया है, उनका ये प्रिमिटिव ट्राइब का नाम था माड़िया, इन लोगों को कुछ मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं उनको खेती सिखाता हूँ, मैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ ह्यूमन बींग जैसे। तो इमीजिएटली मेरे पिकनिक का मकसद क्या था वो पता चला, है ना, वो ऐसे रियलाइजेशन आता है। तो विदाउट थिंकिंग मैंने बाबा बोला यदि आप ये काम शुरू करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा,
तो आई कुड सी द स्पार्क इन आईज. बोला तो कुछ नहीं लेकिन बड़े खुश हो गए, एक बच्चे को फंसा दिया है ना. या तो वेरी एक्सपोजर वॉज इम्पोर्टेंट. ये जब तक नहीं देखते थे तो हमको भी पता नहीं चलता आदिवासी कैसे रहते. तो नेक्स्ट डे हम लोग वापिस आ गए, रिजल्ट आउट हो गए, दोनों MBBS पास हुए. 1 जनवरी 1971 में इंटर्नशिप शुरू. तो बाबा ने उसके पहले बोला कि यदि आपने डिसीजन लिया है अभी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखिए, यहाँ जगह होना चाहिए काम करने के लिए, जंगल में कुछ तो थोड़ा जगह होना. तो हमने बड़ा बहुत अर्जा करने के लिए बहुत सारा कागजात उसके ऊपर भेजना पड़ता है उसके साथ में, बम्बई भेज दिया. ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करते मालूम नहीं आपकी गुजरात में, लेकिन हमारे यहाँ वो रिप्लाई नहीं देती. उन्होंने रिप्लाई नहीं आया. इंटर्नशिप 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई 1971 में, कोई रिप्लाई नहीं. तो फिर क्या करे खाली बैठ के. तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन किया नागपुर मेडिकल में. हमारी तो डेट निकल गई थी सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में, खाली थी, नया कॉलेज खुला था डॉक्टर सुशीला नायर जी. तो वहाँ होश जॉब के लिए मैं सर्जरी में गया, विकास मेडिसिन में आया वहाँ पे. और देखिए मतलब गवर्नमेंट ने जगह नहीं दी इसलिए मेरी शादी हो पाई. या कुछ देखिए, या ये जो मंदाकिनी देशपांडे थी पहले हमारे कॉलेज की थी, लेकिन सीनियर थी. जैसे मैंने बोला वो सीनियर रैगिंग करते थे, मेरे की उसकी पहचान नहीं थी. 5.5 साल इकट्ठा रहते, पहचान नहीं थी. मैं उसका नाम नहीं जानता था, हालांकि वो फेमस थी कॉलेज में, लेकिन वो मेरा नाम जानती थी. मेरे पीछे तो कौन जाएगा खादी के कपड़े पहनने वाला. तो वहाँ जो एनेस्थेसिया के लिए वो आई कि उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली वहाँ पे. मतलब ये देखिए, मतलब ये कोइंसिडेंस कैसा है. यदि वो वहीं पे एनेस्थेसिया का जॉब मिल जाता तो इधर आती भी नहीं, और मैं बैचलर था अभी तक. तो ये आ गई, फिर पहली बार पहचान हो गई. एक पेशेंट पे काम करते वक्त मैं सर्जरी कर रहा था, वो एनेस्थेसिया कर रही थी. और धीरे धीरे वो ऐसे क्या बोलते पता नहीं, उस समय ज़्यादा बातें नहीं करते थे, आई लव यू वगैरह सा. लेकिन वेवलेंथ पता नहीं उसको, पता नहीं उसके पीछे से वैसे बहुत डिमांड थी उसको कॉलेज में. समा देखिए, मतलब बदकिस्मत या अच्छी किस्मत पता नहीं, लेकिन उसने बोला ये वो 2-3 महीने में बहुत नज़दीक आ गए. हमारा भाई, बड़ा भाई था, वो देख रहा था यहाँ कुछ अफेयर चल रहा है, और बाबा का नाम हुआ है, पद्मश्री भी मिला था उनको, तो बदनामी हो जाएगी बाबा की. तो उसने जाके बाकायदा बता दिया माँ को और बाबा को कि ऐसा ऐसा आपका छोटा बेटा ऐसा कर रहा है. तो बाबा ने तुरंत बुला लिया. तो पहली बार आनंदवन आई. आनंदवन तब तक काफ़ी डेवलप हुआ था, उसमें रोड्स थे, बिजली थी, ये थी, मतलब और कट ऑफ भी नहीं रहता था, और स्टिग्मा भी थोड़े थोड़े कम हो रहा था. तो इसको दिखाया आनंदवन, और देखने के बाद बोले उसको अच्छा लगा. तो बोले बाबा, बोला इमीजिएटली गलतफहमी ना हो इसकी, प्रकाश ने वहाँ हेमल कसा में जाने का निर्णय लिया है, तो आपकी तैयारी है क्या, यहाँ आनंदवन नहीं रहने वाला. तो उस सब रोमांटिक्स वो समय होता है ना, वो तब वो जंगल में जाना है, हाँ कह दिया था, लेकिन बाद में क्या होने वाला वो मालूम कहाँ है. जब तक नहीं जाते तब तो पता भी नहीं चलता है ना. तो बोले मैं उसको जबान दिया, वचन दिया, मैं उसके साथ काम करूँ. तो बाबा प्रैक्टिकल थे, बड़ा जैसे पुराने आदमी जैसे. तो माँ को ऐसा लगता था कि उसके बड़े बेटे की विकास की शादी पहले हो, ट्रेडिशन. तो बाबा प्रैक्टिकल थे, उनको वैसे मन में विचार किया होगा यदि विकास की शादी को समय लगा तो इसका भी निर्णय बदल सकता है, तो तुरंत शादी करवा दो. 72 में एजुकेशन चलते हुए हमारी शादी करवा दी, और हम लोग राह देख रहे थे कि जमीन कब मिलेगी. तब तक इसने डिप्टोमा इन एनेस्थीसिया किया, लेक्चरशिप ज्वाइन कर दिया था, मेरे MS का जनरल सर्जरी का वो रजिस्ट्रेशन हुआ था. 23 दिसंबर बाबा को जगह मिल गई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से. तो मुझे पता चला नागपुर में बाबा ने जगह का पोजीशन लिया है, तो मैंने MS का एजुकेशन छोड़ दिया और तो जाके बैठ गया बाबा के पास. बाबा फिर वापस आ गए. इसको बड़ा बुरा लगा, ये एग्जाम MS करके क्यों नहीं गया, एजुकेशन पूरा करके जाना. एनीवे समाओ विचार करते हैं लोग, तो उस समय पता नहीं. तो मैं जाके बैठ गया, तो इसने रिज़ाइन करके वो मुझे ज्वाइन हो गई. 1 साल बाद शादी में अपना खुद का झोपड़ी बनाना पड़ा, थैच हट होते हैं ना वो घास का. और फिर आइसोलेशन, 15 जून को बारिश आ गई तो दिसंबर तक रास्ते बंद, सब नदी नाले फुल.
बात करने के लिए कोई नहीं, टेलीफोन का सवाल नहीं, बिजली भी नहीं थी। तीन चार कार्यकर्ता बाबा की प्रेरणा से आए थे और एक नई फैमिली बन गई हमारी। अब इतना तो ठीक था, कंपेनियन कौन थे, कभी सांप आता था कॉटेज में, चूहे के पीछे वो आता था, और ये सिटी की लड़की, अंधेरा, वो कंदील होता है ना, कंदील, लालू प्रसाद यादव का सिंबल है वो, हरिकेन लैम्प कहते उसको, हाँ अंग्रेजी में हरिकेन लैम्प, वो लगा के लगा के। तो एक दिन वो ऐसा विंडो था बम्बू का, रात में रस्सी नहीं थी, अभी रस्सी कैसी आई, बीच में झुक जगह तो रस्सी कैसी आई, ठीक है रस्सी आई तो ठीक है, लेकिन वो हिल रही है। तो जगह है मुझे, तो मैं नजदीक जाके लगा देखा तो वो स्नेक था, हालांकि नॉन पॉइजनस था इसलिए मैंने ढकेल दिया। उसी के एरिया में हम गए थे तो कोई दुश्मन निकलने से कोई फायदा नहीं। तो मुझे हम बचपन में आनंद में काफ़ी सांप वगैरह थे, तो ऐसा मतलब ये तो सब ठीक थी दिक्कतें, लेकिन ये मालूम था हमको ऐसे नहीं है कुछ, इसको नहीं होगा शायद, लेकिन जाने के बाद पता चला कि ये कुछ मिलने वाला नहीं है, सो कॉल्ड फैसिलिटीज, और हमारे जो साथी थे उनको भी पता चला, लेकिन इसकी तकलीफ नहीं हुई हमको कि ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, यहाँ सांप है यहाँ है, क्योंकि वी आर डिटर्मिंड, हमारे मन की तैयारी हुई थी, मालूम था हमको कि इस एरिया में इतने सारे लाख लोग रहे थे, 4 लाख लोग जंगल में रहते हैं, और उनके लिए भी सुविधा नहीं है तो हमारे लिए भी कहाँ से आएगी, है ना, उतना तो मालूम था, तैयारी थी हमारी, तो उसकी तकलीफ नहीं हुई। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, दाल और चावल आप स्टोर करके रखो, उसमें भी थोड़ा सा वैरायटी करती थी, एक बार दाल गाढ़ा करो, एक बार पानी ज़्यादा डालो, मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए, कभी कभी मिर्ची डालो कभी मत डालो, कभी चेंजेस करके अपना उतना गुजार रही थी कम्युनिटी किचन। और सबसे तकलीफ ये हुई कि पेशेंट नहीं आ रहे, जिनके लिए आए हम लोग उसमें से एक भी नहीं आता, तो ये कैसा मतलब इतना डर क्यों है इनके बारे में, इनको तो उनको मालूम भी नहीं था ये कुछ ऐसा अस्पताल होता है, उनके ट्रेडिशनल वो पुजारी रहते थे। तो फिर हम लोगों ने वो फ्रस्ट्रेशन का काम था, निराशा का, कि इतने सारा छोड़ के हम लोग आए 4-5 लोग और यहाँ कोई आता नहीं। फिर उनका फिर बोला कि ये निराशा आने से कोई काम बनेगा नहीं, उल्टा सोचने लगे हम कि ये लोग इतने सारे सालों सदियों से आइसोलेशन में रहे, ये बाहर के लोगों के ऊपर उनमें क्यों विश्वास रखे, क्या कारण है, क्यों रखे विश्वास, शायद तब तक बाहर के लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट किया होगा या किसी ने मोलेस्टेशन किया होगा, नंगे थे वो, तो ये दूर ही रहे सिविलाइज लोगों से, ऐसे शायद उनके वो मेंटालिटी वैसी हुई थी। लेकिन वहाँ जो पनिशमेंट पोस्टिंग पे गवर्नमेंट ऑफिसर रहते थे लोअर लेवल के, फॉरेस्ट गार्ड होते वो तलाटी है ना, तो उनको पता चला कि दो डॉक्टर आए और झाड़ के नीचे उन्होंने ओपीडी शुरू किया, तो उनके लिए भी अस्पताल नहीं था, उनका तो एक बार तबादला हो गया तो वहाँ से फिर दूसरा तबादला नहीं होता था, तो उनको छोटी सी बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार आ गया तो साइकिल से आते थे, और वहाँ वो सालों रहते हुए उन्होंने लैंग्वेज सीख ली थी, तो वो माड़िया लैंग्वेज की डिक्शनरी मंदा ने बना ली, और हम पैदल जाके गांव-गांव में जाके लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन हो, जो रुका उसके साथ बोले, नहीं रुका तो भाग गया तो ठीक है, लेकिन उनका कल्चर क्या है, उनका संस्कृति क्या है, अभी तक उनकी परंपराएं क्या थी, वो उसका स्टडी किया। तो हर गांव में जो भी बीमार पड़ता है वो पुजारी के घर, ट्रेडिशनल है वो, उसके घर ले जाएगा, वो मंत्र तंत्र कहेगा, कुछ झाड़ पाने की दवाई देगा, बलि मांगेगा, ये चिकन और गोट वो ट्रेडिशनल है, उसको वहाँ काट के वो भगवान को प्रसन्न करे। और भी सुना फिर वो नरबलि भी प्रथा थी, बच्चों को काट के भगवान को। तो ये सब मतलब स्टडी करने के बाद इतना वो इसे डिप्रेसिंग था और चैलेंजिंग था। फिर पता चला कि जो बीमार आदमी या कोई लड़का होगा या औरत होगी पुजारी के पास गई, छोटी मोटी बीमारी वो ठीक करता था, उसका सही कारण था अपनी खुद की इम्यूनिटी है, और साइकोलॉजिकल असर वो मैजिक से होता है, मंत्र तंत्र से। तो इम्यूनिटी इसी कहते इम्यूनिटी हम लोग, जो असल में बीमार है जैसे लो इम्यूनिटी है जिसकी, और जिसका बुखार आया जैसे निमोनिया हुआ या किसी को बर्न की केसेस है, इन्फेक्टेड है, उसके भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, वो बोलता है अभी भगवान की मर्जी उसको ले जाओ। तो ये वापस ले जाने के बाद वो हर झोपड़ी के आगे मंडप होता था, वो ब्रांचेस रख के वो छाव के लिए अंदर सोलाना
एक तो स्मेल आता है कभी, या फिर वो अंगार लगाते हैं तो उसका स्मोक आता है, तो बाहर रहना अच्छा रहता है ओपन में मंडप के नीचे। तो हम तो घूमते ही थे, तो पहला पेशेंट दिखा जो उसने वापस भेजा था, 40% बर्न, अंगार में गिरा था, 10 लड़का लड़का, कैसे गिरा होगा, तो अंगार के पास में सोते, लेकिन उसको एपिलेप्सी थी, तो उसमें वो अकेले एपिलेप्टिक फिट आ गई, उसमें गिर गया तो 40% बर्न हुआ। उसके बाद ले गए, उसने दवाई लगाया, वो इन्फेक्टेड, उसके बाद में उसमें मैगेट्स गिरे, मैगेट्स देखने को नहीं मिलते आजकल, वो ग्रीन मक्खी होती है ना, वो उसका लाइफ साइकिल है, वो अंडा देती है वहाँ पे स्मेल पे, अंडा देने के बाद देखती है उसका लार्वा बनता है, और लार्वा अंदर जाके उसका खून और वो पस पी के बड़ी होती है, उसको मैगेट्स कहते हैं, फिर बाहर आके वो मक्खी बनते, वो लाइफ साइकिल है, लेकिन उसको इतनी तकलीफ होती है, अंदर से काटती रहती है ये मैगेट्स। तो वैसा बड़ा बेचारा हेल्पलेस था, रो रहा था, माँ बाप को हमने बोझे इसको आप ले जाइए, या हेमलकसा में हमारा झाड़ के नीचे अस्पताल चल रहा है, उनको मालूम नहीं अस्पताल क्या होता है, डॉक्टर भी नाम भी मालूम नहीं डॉक्टर क्या है, लेकिन वो ले गए कटिया पे डाल के उसको लिखाए, बहुत अच्छा लगा हमको, पेशेंट आया उसके मैगट्स निकालने की कोशिश किया, जैसे निकालो आप वो अंदर जाना चाहते, नीलगिरी ऑयल से वो रिपेलेंट है तो वो थोड़े बाहर आ गए, एंटीबायोटिक दिया, पेनिसिलिन कभी जिंदगी में उन्होंने दवाई नहीं लिया था, और पेनिसिलिन बहुत अच्छा दवा है, ड्रग है, और ड्रेसिंग किया, ऑटोक्लेव ले गए थे हम लोग चूल्हे पे, उसको गर्म करके पैड बैंडेजेस और ये सब उतना प्रिकॉशन वो लेते थे, और एपिलेप्सी के लिए सोडियम गार्डिनल, तब का वही था, गार्डिनल की गोली दिया, तो देखते देखते वो ठीक हो गया, सब मिराकुलस था उनके लिए, ये बच्चा इतना बीमार था और अब हमारे साथ घूमने लगा। तो इस तरह से वो मैसेज स्प्रेड हुआ कि अभी यहाँ कुछ अल्टरनेटिव है, अपने पुजारी को अल्टरनेटिव है, तो पुजारी को थोड़ा सा गुस्सा आता था अपने, मतलब ये कॉम्पिटिटर आ गए, तो हमने उसके बारे में कुछ ऐसा खिलाफ नहीं कहा उनके, क्योंकि इतने सालों से उनका विश्वास है, हम कौन होते हैं उनको कहिए ठीक नहीं है, तो हमने बोले हम आपको अल्टरनेटिव दे रहे, उससे नहीं ठीक हुआ तो इधर लेके आइए, ऐसे नहीं है। तो फिर दूसरा पेशेंट आया, बहुत दूर से आया, 30 किलोमीटर, तो लाया तो कैसे आया, तो वो खटिया पे डाला, बम्बू की खटिया होती है, और दो आदमी खटिया पे पेशेंट को नहीं ला सकते, इसलिए कम्युनिटी लिविंग, 10 बच्चे तैयार हुए गांव के, वो चेंजेस करते करते अपना खान शोल्डर पे रखते ना, तो लाया, बहुत बीमार था, मतलब बीमार था मतलब बेहोश था, अब डायग्नोसिस कैसा करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, नहीं नहीं सीखे थे, तो किससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, रिलेटिव्स को कोई मालूम नहीं कैसा बीमार गिरा, किताबें पढ़े बेहोश गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तब तक हम थोड़ा सा पढ़ा था कि यहाँ मॉस्किटोज बहुत है और फैल्सीफेरम मलेरिया हो सकता है, तो फिर हमने बहस करके डिसाइड किया कि इसको सेरेब्रल मलेरिया होगा, बहुत डेंजरस होता है वो, मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया को, तो उसके लिए क्विनिन लेके गए थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा मेडिसिन बॉक्स में, सलाइन ग्लूकोज क्विनिन कार्टिजोन, यही कुछ नहीं मिला तो कार्टिजोन दे दो, दो और रात दिन उसकी हम देखभाल कर रहे थे बाय रोटेशन, बाहर ही था, तीसरे दिन आँख खोली हलचल करने लगा, तो हमको तसल्ली हुई शायद हमारा डायग्नोसिस बराबर है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, और पांचवें दिन अच्छा रहा तो अपनी खटिया कंधे पे उठा के चला गया, अब ये थे है चला गया ठीक है, बहुत अच्छा खुशी हुई, लेकिन जाने से पहले उसने थैंक यू नहीं कहा, यहाँ तो पैसे का सवाल ही नहीं था, लेकिन थैंक यू क्यों नहीं कहा, मतलब उससे उसकी भाषा में धन्यवाद क्यों नहीं दिया, ये हमको थोड़ा अजीब लगा। रात दिन हम मेहनत किया, वो ठीक हो गया, चुपचाप अपने खटिया उठा के चलते गए, ठीक है छोड़ दिया हमने, थोड़ा सा बुरा लगा, तो बाद में जैसे ज्यादा हमसे संपर्क में आने लगे हम लोग, तो गांव में जो भी समस्या होती उन्हें, तो उनकी पंचायत है, तो पंचायत वाले बैठ के वो समस्या का समाधान खोजते हैं, और जैसे उसका संकट या जो भी कोई समस्या है ठीक हो गई,
तो वो फिर से काम में लग जाता है और फिर दूसरे की समस्या में वो खुद सहभाग लेता है, क्योंकि उसको जस्टिस मिल गया था। लेकिन वो आपस में थैंक यू नहीं कहते, हर एक को मदद करना उनका ये कल्चर का भाग था। तो थैंक यू कहने की जरूरत क्या है, ये तो पार्ट ऑफ कल्चर है। ये जब हमको पता चला तो हमारा दुख था थोड़ा सा, वो निकल गया। कर्मण्येव बाधिका, वो जैसा मैंने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन वो गीता का जो सेल्फलेस सर्विस का बहुत आनंद लिया हमने, उसके बाद में हमको बिल्कुल दुख नहीं हुआ। ये तो हमारे आनंद के लिए हम कर रहे हैं, उसको फायदा हो ना हो तो अलग बात है, वो तो बोनस से फायदा हो गया तो। लेकिन इस तरह से वो आम आगे बढ़ते गया और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से 150 किलोमीटर तक वो मैसेज पहुंच गया कि यहाँ से हेमल कसा में पहले झार के नीचे था, फिर एक टाइल का एक छोटा सा बिल्डिंग बना। और दूसरी दिक्कत ये थी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, या फिर इतने दूर से उसको उठा के लाया या पैदल आया तो उसको बोले कि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ करके वापस कैसा भेजे, नहीं भेज सकते थे। मुझे भेजना कोई परफेक्टली एथिकल था, लेकिन अच्छा नहीं लगता, गिल्टी लगता था, ये हड्डी टूट गई, ये मैं ऑर्थोपेडिक नहीं हूँ, पर हड्डी टूटी डायग्नोस कैसा करें, एक्सरे मशीन नहीं है। तब तक हमको पता चला कि इनका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जहाँ स्वेलिंग आता है, हड्डी टूटी स्वेलिंग आता है, ऊपर और नीचे पकड़ के हिलाने से यदि फ्रैक्चर होगा तो फ्रिक्शन फील कर सकते, लेकिन बहुत पेनफुल होता है वो, बहुत पेनफुल। लेकिन उनमें कोई मतलब ज़्यादा दर्द दिखाते नहीं थे, वो टॉलरेंस बहुत ही था, ट्रिमेंडस टॉलरेंस। तो हमारा डायग्नोसिस कन्फर्म होता था, चलो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको जरा बांध दो, एक 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी केसेस अलग अलग तरह से। एक पेशेंट आया, वहाँ जंगल है, बेयर बाइट, भालू जंगल में बहुत सीवियरली अटैक करती है, तो वो 60 किलोमीटर से उसको लाने में 2 दिन लगे। आने के बाद देखा तो उसकी दोनों आंखें चली गई थी, बाइट है, लोगों को लगता है कि वो नाखून से लोगों को इंजरी करता है, उसके कैनाइन बहुत बड़े होते हैं भालू के, नाखून से वो खड़ा होकर आदमी को गिराता है और नेक्स्ट मोमेंट वो बाइट करता है, यूजुअली ऑन द हेड। तो उसके आंखें चले गए, 2 दांत इधर चले गए और स्काल पीछे लटक रहा था, जैसे हमने टोपी निकालते हैं ना, पीछे लटक रहा था और पूरे सूखा हुआ ब्लड आ, और वो कॉन्शियस था। हमने उसको सिटेवलॉन से वो साफ किया पूरा, उसमें मट्टी थे, कुछ ड्राइड लीव्स थे, वो आराम से बैठा हुआ है, चिल्ला नहीं रहा। अब वो साफ करने के बाद में जैसा वो स्किन का उसको वापस रखा मैंने, तो कवर हो रहा था, मतलब स्किन इंटैक्ट थी, वैसे वो ले नहीं गया था बालू। तो फिर चूल्हे पे लगाया वाटर और वो धागा था पहले लिनन, आजकल तो बहुत मतलब पता भी नहीं चलता, इतनी नीडल वो कवर नीडल वो लेके गए थे यहाँ से, वो बॉयल किया और उसको रिलेटिव्स को बोला कि इसको स्टिचेस देना है, वो तो अंधा ही था, उसको मालूम ही नहीं स्टीचेस क्या होते हैं और धागा भी मालूम नहीं, थ्रेड कभी देखा ही नहीं। लेकिन मैंने बोला ऐसा करना है, पहला स्टीच दिया कोई आवाज नहीं आई, एक स्टीच देने से 2 बार प्रिक करना पड़ता है, कोई आवाज नहीं, मेरी हिम्मत बढ़ गई, 1, 2, 3, 4 करते करते 100 स्टीचेस। और बाद में कैजुअली पूछ रहा वो और कितने बचे, तो हाइट ऑफ टॉलरेंस, एनेस्थीसिया का सवाल ही नहीं था, दिया ही नहीं था। हम लोग बहुत कुछ सीखे इनसे और वो ठीक हो गए, पेनिसिलिन दिया, 1 हफ्ते के बाद उसको हाथ पकड़ के पैदल ले गए, जिसको उठा के लाया था वो अंधा था। 1 साल के बाद उसके गाँव के लोग आए, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने पूछा लास्ट ईयर का वो बेयर बाइट वाला कैसा है, तो बहू बोले मर गया वो, अरे इतने सीवियर अटैक से वो बच गया अभी कैसा मरा, तो बोले वो अंधा था इसीलिए जंगल में जाके खुद के लिए उसका खाना नहीं ढूंढ सकता था। तो हमारे जो रिलेटिव्स है, जो दोस्त है, उसका थोड़ा थोड़ा मिलता था, तो वो धीरे धीरे ऐसा माल नरिश हो गए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मर गया। तो रियली आई ओपनिंग हमारे लिए कि भूख क्या होती है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, गरीबी क्या होती है, किताब में पढ़ने से पता नहीं चलता, जब आप सामने देखते हैं। तो देखा कि यहाँ कैटरेक्ट की केसेस भी काफी है, जो अंधे होते हैं मर जाते,
और वहाँ कोई सिटी के डॉक्टर वहाँ हेमल कसा आने का सवाल नहीं, बिजली नहीं, रास्ते नहीं है, ओटी नहीं है, और इन लोगों को सिटी भेजना बड़ा मुश्किल था, इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, लैंग्वेज नहीं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ कैटरेक्ट की सर्जरी करें। वो पुराना मेथड था, वेंग्राफिस नाइफ, हमने शायद पता होगा अभी एंटिक पीस हो गए वो, है ना, लेसर और इसका सर्जरी रहेगा फेंको, है वेंग्राफिस नाइफ सुना है आपने कहीं मेडिकल पुराने, वो कॉर्निया काट के, वो बहुत मतलब स्टडी किया, बेसिक एजुकेशन था हमको, नागपुर से इंस्ट्रूमेंट लाया, लेंस को निकाला, रेडियोट्रे में किया, मतलब एक लेडी को तैयार किया कि ऐसे ऐसे हम आपको करने वाले, यदि दिखने लगा तो आप फिर से जंगल में जाके, इस लाइक पुनर्जन्म होता है ना, नहीं दिखा तो शी वॉज ब्लाइंड, कोई नुकसान तो नहीं उसमें, कोई नुकसान नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन नहीं है। तुमने किया, दोनों आंखों कर दिया, वैसे अलग है नहीं करना चाहिए एक समय, कर ही दिया। और दूसरे दिन ड्रेसिंग करने के गए हम लोग, तो हमारे सब वर्कर्स साथ में जो थे मेरे साथ, एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर किया था कपड़ा लगा के, दो लोग टॉर्च पकड़ के, दो लोग टॉवल पकड़ के, बंद इसमें परस्पिरेशन होता है तो पहुंचने के लिए, और एक स्टेप बाय स्टेप वो बता रही थी ऐसा करो ऐसा करो। और दूसरे दिन फिर से इकट्ठा हो गए सब, ड्रेसिंग देख ले तो क्या हालत होगी उसकी, अंदर कोई इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग हुआ है या दिखता है या नहीं दिखता। तो दोनों आंखें क्लियर थी, क्लीन था, उसके ऊपर उंगली दिखाया कितना है, उसके भाषा में पूछा तो उसने बोला ये 3 है, तो सबको खुशी हो गई कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और उसे 10 दिन के बाद उसको +10 10 नंबर का वो लेंस होता है ना, उसको 5 रुपये में मिलता था गांधी जी के फ्रेम वाला गोल, तो वो चश्मा लगा के वो लटकी पीछ नीचे लंगोटी ऊपर चश्मा और जा रही अकेली, तो वो एडवर्टाइजमेंट। फिर रेगुलर आते गए कैटराट की सर्जरी के लिए। तो इस तरह से मतलब ये तो हेल्थ के हुआ, ये एक भी बहुत है, मैं बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता कि गायनिक के पेशेंट आते रहते डिलीवरी के लिए आएंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी फोर्सेप डिलीवरी हम सीख गए, हमको इंटरेस्ट नहीं था लेकिन सीखे वहाँ जाके, डिफिकल्ट लेबर में जो आते थे, बाकी तो ट्रेडिशनल उनके थी, कभी ट्रांसवर्स लाया है या कभी सर बड़ा होता है ना, तो उसमें डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करना पड़ा हमको, काफ़ी सारे सुना भी नहीं होगा डिस्ट्रक्टिव, या बच्चे को काट के निकालो और माँ को और एक चांस दो, और या तो रिफ्यूज करो, हम नहीं करते, मरने दो दोनों को। तो हम फिर से दोनों चर्चा करके डिसाइड किया था, ऐसा ऐसा एक था पुराने जमाने में सीजरियन मालूम नहीं था लोगों को, तो ये काम करते थे लोग डॉक्टर लोग, तो पहले करने में काफ़ी तकलीफ हुई हमको मेंटली, और ऐसा कि वो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता मैं, लेकिन उसको बच्चे को निकाला, सुबह हुई अंधेरे में किया सब, तो वो औरत 25-30 किलोमीटर से पैदल आई थी, तो बोले अब मैं वापस जा रही हूँ, इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होता है ये होता है, अब मेरा बच्चा तो मर गया, बोले मैं रह के क्या करूँ। फिर मंदा के ने उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम यदि प्रेग्नेंट रही तो रेगुलर चेकअप के लिए आना, और हमारे सौभाग्य से 2 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट रही वो, और शी केम फॉर रेगुलर चेकअप, और वहाँ हेमल कसा में नॉर्मल डिलीवरी हुई, लड़की हुई, उसका नाम उसने बिरादरी रखा, लोग बिरादरी बिरादरी नाम रखा, तो ऐसा थोड़ा सा गिल्ट कम हो गया। तो इस तरह से मतलब हम लोग करते गए, ट्रेनिंग हो ना हो लेकिन अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे थे, किताबें थी, बेसिक नॉलेज MBBS लेवल पे होता ही है, फॉरेन बॉडी गई, नाक में गई, कान में गया, तो उसके लिए हुक तैयार करना, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो हुक तैयार करके वो निकालते थे। अब एक बेटे के नाक में उसने सीड डाला, सीड होता है ना, तो वो नाक में डालने से उसको स्वेलिंग होता है, मतलब फूल जाता वो म्यूकस से, वो अपना पहले ट्राई करते तो अंदर जाता, तो लेके आए यहाँ पे, 1.5-2 साल का बच्चा था, तो सनलाइट में उसको देखा अंदर से, तो एक बड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख रहा था सीड, तो एक तार होता है ना अपना सरा सख्त तार, उसका एक हुक बनाया, और बाप को बोला एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, आप सर पकड़ के रखो, और मेरे जो कलीग था उसको बोला हाथ पांव पकड़ के रखो, सामने रखा है घर में लाया था, जैसे हुक डाला थोड़ा सा कर्वेचर होता है उसमें,
वो नीचे जाके वो उसको खींच लेता है फॉरेन बॉडी को, बहुत फास्ट होता है वो। मैं भी 20 सेकंड में वो सीट बाहर आ गया। अब जैसे सीट बाहर आ गया तो वो कुडंट बिलीव इट, 3-4 साल बच्चा रो रहा है, तकलीफ दे रहा है, वहाँ से खून आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, और यहाँ तो आधे मिनट में हो गया। तो जैसे वो बच्चे का सीट निकल गया, माँ ने उसको 2 थप्पड़ मारी, बोले फिर ऐसा नहीं करना, इसलिए इतना दूर आना पड़ा, पैदल आना पड़ा, और यहाँ तो आधे मिनट में काम हो गए। तो इस तरह से मतलब बड़ा अच्छा लगता था अपने को, कुछ मतलब ऐसा रिजल्ट मिला तो ये सेटिस्फेक्शन है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता ये। और कोई रिकॉर्ड नहीं था, हम लोग इलिटरेट रहे, हम लोग कोई पेपर राइटिंग नहीं किया, भाषण भी नहीं करते और पेपर भी नहीं लिखते, लेकिन जो भी समस्या आए उसके लिए समाधान ढूंढने का कोशिश कर रहे थे हम और हमारे कलीग थे। फिर लोग 2 साल के बाद लोग बोल रहे थे कि हमको ये सरकारी लोग है ये काम के लिए बुलाते हैं, दिन भर काम करवाते और शाम को सिर्फ अंगूठा लेते हैं, ये क्या बात है, 1 पैसा नहीं मिलता, ऐसा क्या है ये। तो वो बोलते कि आप जंगल में रहते, जंगल में जाके आप झोपड़ी बनाते, किसकी जंगल किसका है, सरकार का है, आप जाके शिकार कर रहे, ये जानवर किसके है, वो सरकार के, तो इसके बदले में आप काम करो, सिंपल लॉजिक है ना। आप देखिए मतलब जो अफसर जहाँ है वो तनख्वाह पाता है, तब जब 6th पे कमीशन होगा 7वां नहीं होगा, और उसकी हिम्मत देखिए, जो आदमी भूखा है जिसके तन पे वस्त्र नहीं है उसके हक का पैसा छीनना, इसके लिए भी हिम्मत लगती है। तो जैसे लोग आए तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई, कलेक्टर और कंजर्वेटर, तो इनके थोड़े थोड़े जानते थे उस समय के कलेक्टर के, जंगल में जाके 2 डॉक्टर बैठे, शायद उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती होगी जंगल, यहाँ सिटी में थी इसलिए यहाँ आए होगी, लेकिन गए तो है कम से कम। तो उन्होंने एक्शन ली, सस्पेंड करवाया अफसर को। तो जो तबादला की जो आया तो उसको लगा आप अपने ऐसा किया तो अपनी भी नौकरी जा सकती है, तो उसका पैसा देने लगे, लोग भी खुश हो गए। तो हमारे कलीग थे, हमने बोला कि ये हम लोग कितना स्पून फीडिंग करेंगे इनको, क्यों नहीं उनकी जागृति उनमें आना चाहिए, दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स। तो स्कूल्स का निर्णय लिया 76 में, 2.5 साल के बाद स्कूल का, फिर से लोगों का विरोध, क्या होता है स्कूल, हमारे बच्चे आप छीन के ले जा रहे हो, उसको वापस नहीं करेंगे, जंगल से जाते हो शेर ने काट या किसी सांप ने काटा तो क्या करेंगे। हमने बोला आप अस्पताल में आने के लिए हमको इतनी तकलीफ दिया, मतलब आते नहीं थे, आप 40,000 सालाना पेशेंट आ रहे, तो ये एक मौका हमें दीजिए शिक्षित करने का, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके बच्चे ले जाइए, तो जेल थोड़ी है। तो 25 बच्चे आए ऐसे शर्म के मारे, उसमें से 10 थे करीब भाग गए, उनको डिसिप्लिन लाइफ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो थे 15 उनको लगा यहाँ तो सब कहे खेती पड़ा रहे, कपड़ा मिल रहा है, और खाने के लिए हमारी फैमिली एक बड़ी भी बढ़ती गई हमारी कम्युनिटी की, और दवाई घर का अस्पताल। तो वो 15 बच्चे नेक्स्ट ईयर गांव-गांव में गए, और 2 साल के बाद में पेरेंट्स अपने बच्चे खुद होके लाने लगे। तो ये कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ये पहले बैच के 76 के 3 बच्चे 12वीं तक गए, मतलब वहाँ तो नहीं था, हमारा 7वीं तक ही था, आनंदवन भेजे हमने, वहाँ कॉलेज भी है स्कूल भी है। तो वहाँ का एक लड़का बोले मैं अरे बहुत हो गया एजुकेशन, 12 साल पढ़ा मैं, वापिस जाके उसको, लेकिन एजुकेशन आया तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। दूसरा बोले मुझे टीचर बनना है, अनट्रेंड टीचर उस समय उसका रिकॉग्निशन मिलता था, वो जाके टीचर बना। तीसरा बोले मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, और उसको नागपुर मेडिकल में एडमिशन मिला हमारे कॉलेज में, और जो बाहर निकला तो हमसे ज़्यादा पढ़ा है, वो MD गायनिक है। और उसने अच्छी बात यह है कि उसके एजुकेशन होने के बाद उसने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में वापिस आके वहाँ वो सर्विस कर रहा है, 25 साल हो गए। तो उसका नाम बहुत हो गया, कन्ना मड़ावी, फर्स्ट जहाँ एजुकेशन जीरो था वहाँ मौका देने से डायरेक्ट MD। तो अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, बच्चे आने लगे, बच्चियाँ लड़कियाँ आने लगी, फिलहाल तो आधे बच्चे आधे लड़कियाँ दोनों, मतलब मेल फीमेल का। और फिर वॉलेंटियर्स आते गए, गवर्नमेंट का रिकग्निशन आया, वो भी देर से आया, 10 साल के बाद आया रिकग्निशन स्कूल को, तब तो वो कोचिंग क्लासेस चल रहा था। तो एनीवे उससे फर्क, काफ़ी फर्क पड़ा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो
और फिर ये ड्रॉप आउट स्कूल थे, वहाँ से हम लोगों ने उनको बेयर फुट डॉक्टर बनाए, दूर दूर से पैदल आना पड़ता है छोटी मोटी बीमारी के लिए, तो वहीं पे वो ट्रीट कर रहे, जिसको नहीं समझ पाए या जो सीरियस है उसको शिफ्ट कर यहाँ पे। तो इस तरह से सेंटर्स बनाए हमने, सब सेंटर्स। तो जितना हो सके उतना जिनके लिए करते गए। आज के इसमें हमारे बच्चे भी वहीं पड़े, उनकी भी काफ़ी तकलीफ हुई बाद में कि उनको रिजर्वेशन नहीं था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल था, लेकिन गुडविल थी तब तक, तो वर्धा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको फ्री सीट मिली, लोगों ने काफ़ी प्रयास किए तो मिल गई। तो वो MBBS होने के बाद में उसने भी बाबा को बोला, मतलब बाबा यहाँ आए थे नर्मदा बचाओ में, तो 98 में वो हेमलकसा आए और वो MBBS का एग्ज़ाम दिया था, तो कमरे में अंदर जाके बाबा को बोला, बाबा बोले मेरा भी ऐसी एजुकेशन हो रहा है, पूरा MBBS में हो, मेरी इच्छा है कि मैं माँ बाप के काम में शामिल हो जाऊँ। तो बाबा के आंखों से आंसू आ गए, थर्ड जनरेशन बिना बोले, तो बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन बाबा फिर से पुराने ज़माने के लोग, बोले कमरे में अंधेरे में मेरे को मत बता, शाम को अपना फंक्शन है सिल्वर जुबली का, वहाँ कम से कम 2000 लोग आने वाले, उसके सामने आप कमिट कर, या राइटिंग में नहीं जबान। तो शाम को उसमें बोले मैं भाषण नहीं करता, भाषण की जरूरत क्या है, इतना बोल दे तू। तो सब सभा मतलब ये एकदम से ओवरवेल्म हो गई थी। तो इस तरह से उसका पूरा होने के वो ऑफिस आ गया, हमें ज्वाइन कर लिया। उसकी शादी का प्रॉब्लम था, उसने हमारे जैसा होशियार नहीं था, उसने नहीं किया, तो माँ के पीछे पड़ा। अब बोले मुझे ढूंढो लेकिन डॉक्टर होना, बाकी जात पात धर्म के सवाल नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट दिया मैट्रिमोनियल, किसी ने वॉलेंटरीली बोला नहीं कि मेरी लड़की अभी डॉक्टर हुई आपके यहाँ। 2 साल में इसने काफ़ी सारे खत लिखे, लेकिन 2.5 साल के बाद एक गोवा से टेलीफोन आया कि मेरी लड़की ने प्रोफाइल पढ़ा है और उसका इच्छा है उसकी। तो हम लोग तो वही ज़्यादा एक्साइट नहीं हुए कि गोवा कहाँ है, हेमलकसा 1500 किलोमीटर, उसका कल्चर कहाँ, यहाँ का क्या। तो हमारे दोस्त ने बोला पूना में दोनों को सिर्फ मिला दीजिए, यहाँ इतने दूर उसको बुलाने से। तो इसको हमने भेजा, वो पूना से आ गए, दोनों ने 24 घंटे में तय कर दिया शादी करने का। वेवलेंथ कैसी जमती है देखिए। और फिर 2003 में शादी हुई, और हमारे यार आदिवासियों की तकदीर से वो गायनेकोलॉजिस्ट है, इसको MBBS की इच्छा थी। और जो हम डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करते थे तब तक, 2003 से अभी 20 साल हो गए, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मंदा एनेस्थीसिया देती है और वो सिजेरियन करती है, दोनों की जान बच जाती है। तो ये सौभाग्य है। दूसरा बेटा अनिकेत है, उसने इंजीनियरिंग किया है पॉलिटेक्निक, वो भी वापस आया, वो स्कूल का देख रहा है। उसकी वाइफ पूना से है और वो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, वो लव मैरिज है उनका, तो वो स्कूल का काम देखती है। और ये सब स्कूल का ये एजुकेशन देखते हुए काफ़ी सारे बच्चे डॉक्टर हुए, इंजीनियर है, टीचर्स बने, एथलेटिक्स में नेशनल चैम्पियन भी है ओपन टूर्नामेंट्स में। तो ये बेसिकली हम दोनों का कोई इसने, हम तो निमित्त मात्र है बोलते, ये तो टीम वर्क है बेसिकली। काफ़ी सारे वॉलेंटियर जवान बच्चे आके उन्होंने मदद कर रहे, हमारे बेटे को भी मदद कर रहे। तो हेल्थ के लिए गए थे, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई फंडिंग नहीं था, बहुत मतलब यंग एज में गए, 25 साल में कुछ मतलब ट्रेनिंग नहीं हुआ था। जॉन्स हॉपकिंस में होता था अच्छा ट्रेनिंग होता है, मतलब नहीं लिख नहीं लिख पाए, वो तो प्रेजेंटेशन करना चाहिए अच्छा तो पैसा आता है, फिर काम की जरूरत नहीं होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो काम भी उतना। हाँ तो लेकिन वो ना करते हुए फंडिंग की ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं हुई। हमारे नीड्स कम कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा बिल्कुल 10% के कम होगा, तो बाकी सब जो खर्चा होता तो दवाई के ऊपर खर्चा करो, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो। जो हम दोनों इतना सिंपल रहते थे तो हमारे जो साथी थे वो उनको कैसा है, वो शोरूम में कैसे रहेंगे, तो वो कल्चर है, वो लोग बोलते आप चड्डी बंधन क्यों पहनते, देखा होगा आपने ये तो मेरा ड्रेस है वो, तो शर्म के मारे हमने कपड़े छोड़ दिए। एक लड़की 3 महीने की माँ बाप लेके आए, दोनों पाँव जल गए थे, कैसे जले, तो रात में तो अंगार के पास सोते ठंडे, तो अंगार बीच में लड़की और ये माँ, दिन भर में थक गई थी, सोई थी माँ, बच्चे को शायद भूख लगी होगी, रोते नहीं, माँ को लगा शायद उसको ठंड लग रही,
तो उसने उसको नजदीक जा अंगार के पास ले जाए, अंगार में डायरेक्ट उसके दोनों पाँव चले गए। और जब तक वो चिल्ला के बड़ी होती तो दोनों पाँव के कोयला हो गया था, दोनों फीट ले गए, दोनों पाँव हमने काट दिए। और उसने पर पेशेंस रखा, वो आई थी यहाँ कुछ दिन रही, फिर जाना ना करती थी, लेकिन सी सर्वाइव्ड। तो ऐसा देखने के बाद हमको लगा कि अपने को क्या अधिकार है ये कपड़े का, इतने सारे पॉपुलेशन नंगी रहती है, तो उनके सामने हम सूट बूट में पहन के या वाइट कोट पहन के शर्म आती थी, इसलिए छोड़ दिया। उसमें कोई ज़्यादा फिलोसफी नहीं है, शर्म के मारे छोड़ा। तो हमारे कलीग भी ऐसे कि कोई ऐसा कोई कंपल्सरी यूनिफॉर्म नहीं है ये, उन्हें क्या है यार। तो ये अच्छा माहौल बना है, 50 साल निकल गए हमारे, और ये जो जो सेटिस्फेक्शन है ना बहुत बड़ा है। थर्ड जनरेशन दोनों बेटों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुए और हमको मुक्त कर दिया, मतलब तो ये कुछ बुलाते हैं डॉक्टर सुदर्शन और ये बुलाते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो ऐसे अनसन बातें करते दो चार। और एनिमल रेस्क्यू कैसे चालू? अरे एनिमल्स का वो भूल ही गया मैं, तो समय का सब पाबंदी देख रहा हूँ, कितना बजा 1:30। तो एनिमल के लिए ज़्यादा फेमस हूँ मैं। ये जो एनिमल्स जो कॉल्स क्रूएल है, लोग उसके वीडियोज़ ज़्यादा हैं और लोगों को लगता है कि ये आदमियों से अच्छे कैसे बर्ताव कर सकते हैं, है ना। ये मतलब लॉयन है, लेपर्ड है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल है, बेयर है, कि जिसको आदमी डरते हैं। और कई सारे संघर्ष की कंफ्लिक्ट आप सुनते भी है आजकल, लेकिन ये अपने पास आया ये ट्रेजेडी है, उनके लिए ट्रेजेडी है। ये इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम जंगल में घूमने गए और एक आदिवासी की गाँव के लोग शिकार करके आ रहे थे, तो उन्होंने बंदर मारे थे। तो हालांकि बंदर इंडिया में कोई मारता नहीं, गाय और बंदर को नहीं मारते, और यहाँ हमारे सामने देखा है कि उन्होंने रिसस मंकी होता है उनको मार के हाथ पांव बांध के वो लेके जा रहे थे, और हमको देख के नीचे मुंडी करके नजदीक आए तो देखा तो जिंदा बच्चा मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। तो रोका हमने उनको, टूटी फूटी भाषा में बोला, नए थे हम लोग, ये बच्चे को दे दो। तो बोले नहीं, हमारे बच्चे भूखे हैं गाँव में, वो क्या खाएंगे। तो हंगर क्या होता है रिलेशन, इमिजिएटली आइडिया आ गए। हमने बोला बच्चों को खाने के लिए राइस देंगे आप, चावल देंगे आप, उसको खिलाओ। और ये बार्टर करके हमने पहला बच्चा लाया, उसको बॉटल फीडिंग, अमूल का दूध पाउडर, बॉटल फीडिंग करके वो बढ़ा। अस्पताल में लोग ऐसे पेशेंट आते गए तो उनको हम बोलते गए कि आप बच्चा किसी का भी मिले, ये इंजोर्ड नहीं है, बेसिकली और ऑर्फन माँ को मार के, और छोटे बहुत छोटे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनकी आँख नहीं खुली थी, जब आँख खुली तो माँ करके मुझे देखा, है ना। शेर और भालू और के आँख एक कुत्ते बदले के आप 8 दिन के बाद आँखें खुलती है। तो वो अटैचमेंट आ गए, बिल्कुल गोद में लेके उनको दूध पिलाओ ताकि उनके लगे ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, उसे फील दैट वो अटैचमेंट, वो वार्म्थ आना चाहिए। वो बंदर के बाद हिरन का बच्चा है, फिर भालू का बच्चा है, हिस्ट्री से माँ को मार के खा गए। और फिर हमारी फैमिली मेंबर बढ़ते गए, 2 कुत्ते, 1 बंदर, 1 भालू, 1 लेपर्ड, 1 वाइल्ड बफेलो। सुबह शाम हम घूमने जाते, आज भी जाते, 10 किलोमीटर हमारा होता है। तब हमारे साथ ये सब साथ में आते थे, एक बारात आती थी पूरा नदी तक संगम है, तो कोई व्हीकल नहीं, कोई सिविलाइज आदमी नहीं, और ये अपने घर के मेंबर ही है। कभी आदिवासी ने देख लिया, अरे लेपर्ड आ रहा है या भालू आ रहे हैं, तो जो जंगल में छुप जाते थे। तो फिर जैसे वो बड़े हो गए, अस्पताल में बच्चे आने लगे, स्कूल में बच्चे आने लगे, और वो लेपर्ड वगैरह का कोई इंटरेस्ट, वो तो मारेंगे नहीं लेकिन जम तो जरूर मारेंगे स्ट्रेंजर के ऊपर, तो उसकी हालत क्या होगी। इसलिए हम लोगों ने उनको पिंजरे में बंद करके रखा है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस देते हैं। आज भी हम उनको सुबह जाके खेत में घुमाने ले जाते हैं, बिल्कुल आराम से आता है वो, जंगल में जाने नहीं चाहता, क्योंकि ह्यूमनाइज हो गए वो बचपन से अपने पास है। नेचर में मदर सब सिखाती है, किससे बचना चाहिए, किसके अटैक करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ मदर का रोल हमने किया, हमने सिखा नहीं पाए। तो ये कम से कम 50 साल हो रहे हैं, अभी उसको भी 50 साल हो रहे हैं। इसमें लेपर्ड थे, है मतलब अभी भी है, 3 लेपर्ड है, 4-5 भालू है, 2 क्रोकोडाइल, बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब आते हैं 12-13 फुट वाले,
स्नैप तो सभी है लोगों का एजुकेशन के लिए, सांप स्नेक बाइट के काफ़ी केसेस आते थे, जमीन पे सो रहे। और स्नेक बाइट आपको मालूम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, और वो अंगार लगा के सोए तो वहाँ थोड़ा सा वार्म्थ होता है, तो जैसे ये सोए तो उनके पीछे ये वार्म्थ के पीछे उत्साह आ गए, अंधेरे में सांप टच कर गया आदमी को तो उसको ठंडा ठंडा लगा तो वो हिल गया, हिल गया तो उसने काट दिया। तो अंधेरे में पता ही नहीं चलता सांप ने काटा, मतलब लोग डरते पुजारी के पास ले जाते थे। तो इसलिए हमने सांप पकड़ना सीखा, मैंने कही मतलब अपने ट्रायल एंड एरर, और एक एक स्पीस नमूना रखा है, कोबरा, क्रेट और वाइपर, ये तीन वेनमस स्नेक्स है और बाकी नॉन पॉइजनस। तो इस तरह से मतलब अपने एम्प्रेस एनिमल आर्क नाम रखा है इसका। एक अमेरिकन लेडी आई थी, बोले आपके साथ शेर भी जा रहा, भालू भी जा रहे, कुत्ते भी जा रहे, हालांकि दुश्मन है हो और यहाँ प्यार से आपके साथ आ रहे। तो 9000 के बाइबल में एक 9000, तो वहाँ भी वो जहाज पे सब जानवर इकट्ठे थे, और यहाँ हालांकि आज भी है, पता नहीं वो तब थे नहीं थे लेकिन आज तो है। तो ये एक अच्छा अनुभव था, दो पाँव वाले जानवरों के लिए गया था मैं, मनुष्य प्राणी कहते हैं, और ये पूरी मतलब सब जीव जंतु का प्यार पाया, सिर्फ इसका नहीं पाया मतलब सब। तो इस तरह से गुजरती गई जिंदगी। लास्ट ईयर थोड़ा सा डॉक्टर को चिंता में डाला था, ब्लड कैंसर हुआ था। पूना में हमारे पहचान के डॉक्टर है, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर है, तो कोई चिंता नहीं थी, मतलब इतना सारा अच्छा जीवन जाने के बाद वो मरने का कोई चिंता करता है या नहीं करता है, हमें कोई दोनों को हमको कुछ नहीं लगा। डॉक्टरों को चिंता थी, ये जरी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कीमोथेरेपी से, तो बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेशन हुए थे, निमोनिया, ब्लड हो, हेमोफ्टेसिस वगैरह वगैरह। मैंने उनको बोला कि ये रोज आ रहे पूछ रहे आप कैसे लग रहा, तो मैं क्या बोलूँ, आज खून गिरा है, आज बुखार है, आज निमोनिया ही है, कि हमारे जानवर है भाई कभी कंप्लेंट नहीं करते, आप डिसाइड करो उसको क्या हुआ है, मैं डिसाइड करता हूँ, तो ट्रीटमेंट चालू करते थे। तो कल से मैं यू ट्रीट मी एज एनिमल, रोज रोज वही क्या बताए, रोज रोज वही वही। और दूसरा है कि आपको यदि आपके रेपुटेशन की चिंता है, मैं बीमार गिर गया तो अभी न्यूज़ में आ गया, मैं चलते हुए यार अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल गया तो शायद आपकी बदनामी होगी, मुझे कोई चिंता नहीं। तो लेट हुआ लेकिन रिस्पॉन्स मिला और ठीक हो गए। फॉलोअप के लिए डॉक्टर हेमल का सहाय थे, मैंने बोला आपको आना पड़ेगा, मैं 3 महीने पूना में पड़ा था, अब बार बार नहीं आऊँगा। तो वो डॉक्टर जो मुझे कैंसर की ट्रीटमेंट दिया वो अपने बेटे को लेके आए, वो MBBS हुआ था, ताकि वो भी पता चले उसको रूरल एरिया में, अभी पता चले फ्रेश। तो इस तरह से मतलब बहुत प्यार पाया हमने जिंदगी में, दुनिया में मतलब बहुत सारा। और लास्ट ईयर तो मैं बहुत एक अनुभव किया, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, मतलब हालांकि हम कर्मयोग पे विश्वास करते, कर्म कांड पे नहीं, बाबा ने जो सिखाया, लेकिन लोगों का विश्वास है, श्रद्धा है, तो उनके से उन्होंने लाखों लोगों ने प्रार्थना की होगी, वो बोलते हमारी प्रार्थना से आप ठीक हो गए, ठीक है, कोई का इतराज नहीं। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, आपने बहुत मतलब पेशेंस से सुना, और कभी हो सके मतलब तो जरूर विजिट कीजिए हेमल का सा, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और बाबा का आनंदवन भी है, तो आप आएंगे तो बड़ी खुशी होंगी। थैंक यू वेरी मच। उनका तो कोई नहीं था, अस्तित्व नहीं था, भाई कोई वाद नहीं था वहाँ पे, ये बाद में आ गए, और बाय द टाइम देखे हम अपना रेपुटेशन इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, आप किसी को जिंदगी दे उसमें क्या विरोध करेंगे कोई। सर कोविड टाइम में, कोविड में आदि ये सब मतलब थोड़ा सा इसमें नेचर ने दिखाया कि यहाँ सिविलाइज और अमीर आदमी को ज़्यादा बीमार करे, आदिवासियों को नहीं हुआ, मतलब बाकी सारे वो इम्यूनिटी उनकी कम होती है, लेकिन ये वायरस के अगेंस्ट कोई सीरियस नहीं हुआ, एक को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि हम दोनों को भी हुआ था 2 बार, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, पॉपुलेशन कम है, वो खेत में काम करते थे, ये करो, ट्रांसपोर्ट बंद था सब, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और कुछ ये पूछना है कुछ, समय बहुत हो गया। स्नेक्स
हाँ नहीं नहीं अब तो क्या डॉक्टर जाके शिकार करने जाएगा क्या, एजुकेशन के बाद में तो पूरा चेंज हो रहा है, खेती करने लगे, नौकरी मिली, अभी तो अभी गवर्नमेंट का भी अवेयरनेस आ गया, गवर्नमेंट के अभी जो योजनाएं है वहां तक पहुंचने लगी है, तो अभी वो शिकार करने की जरूरत नहीं। एथलेटिक्स में हाँ, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और अभी ये शुरू किया है मलखाम, या जैसे मतलब ये वॉलंटियर मिलता है तो एक एक एक्टिविटी शुरू होती है। और एक बम्बई से आर्टिस्ट आई है, लड़की एक साल के लिए आई थी, उसने 300 लड़कियों को, लड़के लड़कियों को एग्जाम को बिठाया और सब चेंज कर दिया, सब सब दीवारें हमके पेंटिंग से, अकेली लड़की आई। और जो कंपटीशन रखा था मोदी जी ने, वो जो लास्ट ईयर चीता आए थे ना कुनो में भेजा, तो वो नेशनल कंपटीशन था कि अवेयरनेस अबाउट चीता, तो अपने स्कूल के लड़के को गोल्ड मेडल मिला वहाँ पे, बाय पोस्ट भेजा था। तो ये कमाल है, बाकी लोगों की वॉलंटियर्स की कमाल है, आते रहते वो कुछ काम करते है। वो एक साल के लिए आई थी, लेकिन हमारे और एक वॉलंटियर है वो अकाउंट में काम करता था, उससे उसका प्यार हो गया, तो वो अभी परमानेंट हो गए दोनों। मतलब ये तो है कि हम लोग क्या सीखना चाहिए आदिवासी की संस्कृति से, क्या सीखना चाहिए, अंधश्रद्धा दूर होना चाहिए, सही बात है, ये नरबली और ये और मंत्र तंत्र ये तो कुछ, लेकिन कम्युनिटी लिविंग, जैसे मैंने बोला था, मैं भी बोला कि पंचायत कुछ भी गांव में प्रॉब्लम हुआ, आप जैसे अपने हरिवल्लभ भाई का जैसा आपने, तो वो गाँव का झगड़ा गाँव में कंसेंसस से नहीं हुआ तो हमारे पास आते, हम उसका काम करते। दूसरा ये है कि इंस्पाइट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ भिखारी नहीं है, कोई भीख नहीं मांगता, ये स्वाभिमानी लोग है, और चोरी नहीं करते, या और ये और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वहाँ बलात्कार नहीं हुआ, 50 साल में एक बलात्कार नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आज आपने सोशल मीडिया या न्यूज़ आइटम में देखिए तो वही सब होता है, हिंसा। तो ऐसे कुछ अच्छी बातें है, इसको कैसे रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। टॉलरेंस टू पेन का तो सवाल नहीं, वो तो उसका तो इज नो कंपैरिजन। या और दूसरा ये है कि ग्रीड नहीं है, कल का नहीं सोचते, आज का आज है कल का कल देखे, मतलब इतना भी नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो एजुकेशन से थोड़ा थोड़ा ग्रीड आता है, दैट इज हां। टेलीविजन मोबाइल अभी आ गए, मतलब 22 साल के बाद बिजली आई हमारे पास हेमलकसा में फर्स्ट टाइम, और 25 साल के बाद टेलीफोन लैंडलाइन, और अभी BSNL का वाईफाई है, क्योंकि अब सब डिजिटल हो गए, आप वो सब मतलब पेपरलेस काम करना है तो कभी कभी बंद गिरता है, वायर टूटती है ऑप्टिकल फाइबर का, तो जो मुश्किल होती है, मतलब हमारे बेटे और बहू को तकलीफ होती है, हम लोगों को नहीं होती। अब पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल तो आ गए सबके, मोबाइल आ गए। सर पढ़ाई कितने स्टैंडर्ड तक का वहाँ पे है और कोई बोर्ड? 12th तक है, फर्स्ट टू 12th आर्ट्स और साइंस है 12th में, और दो तीन साल से नीट के क्लासेस वहाँ हो रहे, और वो वॉलेंटियर पढ़ाते, और लास्ट ईयर ही मतलब अपने स्कूल से पढ़ने के बाद नीट के क्लासेस किया, तो 6 बच्चों को MBBS का एडमिशन मिला आदिवासियों को, तो चल रहे।